सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में एक्सरसाइज वर्क ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत विविधा संवादा दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार से जो बातचीत है, संवाद है, उसको एक्सरसाइज के माध्यम से दिया हुआ है। तो चलिए, इसमें कुछ शब्द जो है दिए हुए है मंजूषा के रूप में, उसमें से आपको सेलेक्ट करके जो शब्द परफेक्ट वर्ड आए उसको फिल इन द ब्लैंक्स में पूर्ति करना है। तो चलिए देखते हैं, दोलिखितम संवादम मंजुषायाम प्रदत्तय शब्द है कुरियत। निम्नलिखित संवाद को मंजुषा से ने दिए हुए शब्द को पूरा ले करके पूरा करना है संवाद को। तो चलिए, जनकः पुत्र पंकजः किम करोषि। पुत्र पंकज क्या कर रहे हो। पंकज कहता है, पितृ महोदयः स्व पाठम देश स्व मम परीक्षा भविष्यति। स्वम पाठम, क्या कहा गया है कि पितृ पिता महोदय जी स्वयं पाठम स्वपाठम क्या कर रहे हैं, हम खाली स्थान अपना पाठ खाली स्थान स्व मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरा परीक्षा होगा। तो यहाँ पर क्या है, स्मरामि स्वपाठम, इस अपना पाठ याद कर रहा हूँ। स्मरामि दिया हुआ है ना, यहाँ पर स्मरामि नंबर वन में स्मरामि हो जाएगा, तो यहाँ पर स्मरामि लिखेंगे। नेक्स्ट है, कस्मिन विषये देश भविष्यति। कस्मिन विषय, किस विषय की परीक्षा है, कस्मिन विषय परीक्षा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, परीक्षा। देश परीक्षा भविष्यति, तो क्या बोलेंगे नंबर, देश परीक्षा भविष्यति। विज्ञान विषय परीक्षा भविष्यति, तो पंकज कहता है विज्ञान विषय की परीक्षा है होगी। यदि देश पठिष्यसि तरहि अवश्यमेव देश भविष्यसि, यदि परिश्रमेण नंबर चौथा, यदि परिश्रम से पढ़ोगे तरहि अवश्यमेव देश भविष्यसि, उत्तीर्ण तो अवश्य सफलता मिलेगी। अहम परिश्रमेण पठिष्यामि देश उत्तीर्ण भविष्यामि, अहम परिश्रमेण पठिष्यामि नंबर सिक्स में उत्तम अंक है उत्तीर्ण भविष्यामि, और उत्तम अंकों से श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा। शुभम ते नंबर सेवन में क्या, शुभम ते अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा है ना, तुम्हारे लिए शुभ हो, तुम जो चाहते हो वो हो, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट है, अधोलिखितम संवादम मंजुषाय प्रदत्तय शब्द है कुरियत। रविंद्र त्वं कथमसि। मित्र हम क्या, कुशल अस्मि, मैं कुशल हूं। कथा इदानीं देश गच्छसि, कुत्र गच्छसि, कहां इस समय कहां जा रहे हो। संप्रति अहम उद्यानं गच्छामि, मैं इस उद्यान जा रहा हूं। त्वं देश मया सह देश, तो त्वं उसके बाद क्या हो जाएगा, अहम उद्यानम गच्छामि, त्वं अपि तुम भी मया मेरे साथ सह चल चलो। शोभनम शोभनम आवाम तत्र सहैव प्रभमिष्यावः, आवाम तत्र सहैव, हम आपके साथ, अवाम मीन्स हम दोनों, तत्र वहां सहैव साथ में भ्रमण करेंगे। भ्रमणम देश लाभप्रदम भवति, भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य मीन्स स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा नंबर दिया हुआ है, अधोलिखितम संवादम मंजुषायाम प्रदत्त शब्द है पुरियत। ईशा मार्ग अस्ति यत्र वाहनानि चलन्ति, यह मार्ग है यहाँ वाहन चलते रहते हैं। कानि वाहनानि चलन्ति, कौन से वाहन चलते हैं, तो कार्यानम बसयानम द्विचक्र का आदि, कार बस और द्विचक्र का दो पहिया वाहन चलते। नेक्स्ट है, पुत्र अत्र एकम देश अपि अस्ति, यहाँ एक आपण केंद्रम, आपण केंद्रम मीन्स दुकान अभी केंद्र है। आम आपण केंद्रे बाला वृद्धा देश च आगच्छति, आपण केंद्र में बाला दुकान जो केंद्र है उसमें बाल वृद्ध और युवक भी आते हैं। सकापण सह भोजनालय अस्ति, किसकी दुकान है या किस कौन सा है आपण केंद्र में, तो सह का आपण किसकी दुकान है, तो सह भोजनालय अस्ति, भोजन है, भोजनालय है, वहाँ भोजन मिलता है। तत्र जना भोजनम कुर्वन्ति, वहां लोग भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का मंजु विविधा संवादा के अंतर्गत है। नेक्स्ट है,
अधोलिखितम संवादम मंजुषायाम प्रदत्तः शब्दः पुरियत। छात्रा भारते कति ऋतवा भवन्ति, कितने ऋतुए होते हैं? तो कहते कह वदिष्यति, कौन बोलेगा? तो राघवा कहता है श्रीमान अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। शिक्षका न सिद्धार्थ वदतु, नहीं सिद्धार्थ बोलेगा। सिद्धार्थ बोलो, सिद्धार्थ भारते षट ऋतवा भवन्ति। शिक्षका ऋतु नाम नामानी महेश वदतु, ऋतुओं का नाम महेश बोलो। तो कहते महेश जी कि वसंत ग्रीष्मा वर्षा शरद हेमंत शिशिर। इस प्रकार से ये आप लोगों का विभिन्न संवादा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संवाद को इस प्रकार से कुछ भी टॉपिक देते हैं तो उसको आपको समझ करके जो मंजूषा में दिया हुआ शब्द रहेगा उसको वहाँ पर फिल करना है। ओके, यहाँ पर शब्दकोश दिया हुआ है बच्चों, लर्न करिएगा इसको वर्ड मीनिंग को, और इसमें किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा।